मूवी की शुरुआत में हमें एक घर बताया जाता है जहां सिक्योरिटी कैमरास और चोरों को रोकने के लिए सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। जहां उस घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, वहीं हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम सीरो रहता है। सीरो दरअसल एक चोर रहता है। अपनी चोरों वाली स्किल यूज करके उस कार को खोल लेता है और उसके अंदर जाके बैठ जाता है। अंदर जाके इस गाड़ी की इंपॉर्टेंट चीजें निकाल रहा था। उसने सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम निकाला। डैशबोर्ड में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो अपने साथ में ले जाने के लिए उन्हें बैग में रखता है। जब वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने बैग में रख लेता है तो वो गाड़ी से निकलने के लिए उसका डोर खोलता है, बट वो डोर लॉक रहता है, उससे खुलता ही नहीं है। वो सोचता है कि आसानी से गेट खुल जाएगा, बट उसकी कोशिश करने के बाद में भी नहीं खुलता है। वो सारे डोर्स को ट्राई करता है खुलने के लिए, बट उससे एक भी डोर नहीं खुलता है। शिरो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि गाड़ी के ग्लास को अपने पैरों से मार के तोड़ने की कोशिश करता है, बट उससे वो ग्लास भी नहीं टूटता है। शिरो को लगता है कि मेरी परेशानी तो यहाँ बढ़ती ही जा रही है। अब वो गाड़ी के टायर्स चेंज करने वाले टूल्स को यूज करता है। वो टूल से गाड़ी के फ्रंट ग्लास को मारता है। बार बार मारने पर भी वो ग्लास नहीं टूटता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ग्लास टूट क्यों नहीं रहे। तो वो टूल से ये डोर के लॉक को तोड़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उसे खोलते टाइम उसे अपने हाथ पे चोट लग जाती है। वो गाड़ी के बैक सीट पे जाता है और अपने बैग से एक गन निकालता है। वो गन को फ्रंट ग्लास पे पॉइंट करता है और शूट कर देता है, बट बुलेट रिफ्लेक्ट होके उसी के पैर में लग जाती है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि गाड़ी के ग्लास बुलेट प्रूफ है। अब शिरो के हाथ के साथ उसके पैर में भी चोट लग चुकी थी। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और जहाँ उसे बुलेट लगी थी वहां बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है जो गाड़ी के पास में आई है। लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और अपने लिप्स पर लगाती है। शिरो जोर जोर से चिल्ला रहा था पर लड़की को कुछ सुनाई नहीं देता है और वो यहाँ से चले जाती है। हमें पता चलता है कि गाड़ी साउंड प्रूफ है और उसके साथ ही साथ गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो गाड़ी के बाहर देख सकता है, बट गाड़ी के बाहर जो भी है वो अंदर नहीं देख सकते। वो अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। उसका फोन चार्ज नहीं रहता है तो उसी वक्त बंद हो जाता है। चिरो को यहाँ पर बहुत प्यास लगती है तो वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकालता है और बिना सोचे समझे एक ही बार में पूरी पेप्सी पी लेता है। इसी तरह सीरो को कार में बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता है और यहाँ रात हो चुकी थी। चीरो को यहाँ दोबारा प्यास लग जाती तो वो ग्लास पे लगे हुए पानी को पीने की कोशिश करता है। ये भूखा था, प्यासा था और साथ ही साथ उसे बहुत थकान हो गई थी। ऐसे ही परेशानी में पूरी रात निकल जाती है। अब यहाँ सुबह हो जाती है जहाँ वो कार में वापस साउंड सिस्टम लगा देता है और म्यूजिक चलाने लगता है जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। उसे एक कॉल आता है। ये कॉल गाड़ी के ओनर की थी जो कि एक डॉक्टर थे। वो चिरो को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने इस गाड़ी में बहुत सिक्योरिटीज लगा के रखी है। इस गाड़ी को मैं 4x4 कहता हूँ। इस गाड़ी से निकलने का एक ही तरीका है और वो है नीचे टैंक से। तुमने वहां से निकलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि पेट्रोल टैंक के बाजू में ही मैंने बम लगा के रखा है। वो डॉक्टर टीरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं, जहां वो कहता है मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मुझे भी बहुत खतरनाक बीमारी है, कुछ समय बाद मेरी भी मौत हो जाएगी। जहाँ चिरो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चिरो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद नहीं करा तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। पर यहाँ डॉक्टर को सीरो की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर यहाँ बिल्कुल साइको हो गया था। जहाँ चीरो डॉक्टर से कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे फौरन कार से बाहर निकालो। डॉक्टर का कॉल यहाँ कट हो जाता है। उसके फौरन बाद कार के एसी चालू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ गाड़ी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से ठंड बढ़ जाती है और उसे यहाँ बहुत ठंड लगने लगती है। अब चीरो यहाँ ठंड से कांप रहा था। जहाँ वो अपनी टी शर्ट भी पहन लेता है और जो भी उसके पास चीज थी उसे ओढ़ के अपनी बॉडी को हीट देने की कोशिश करता है, पर इन चीजों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो ठंड लग ही रही थी। जहाँ ठंड के कारण उसके लिप्स भी अब ब्लू होने लग गए थे।
जो उसे चोट लगी थी उस पे भी इन्फेक्शन बढ़ रहा था। इससे पहले चीरो की जान जाती, डॉक्टर इसी बंद कर देते हैं। चीरो बहुत परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उस कार के सामने पुलिस वाले की गाड़ी आके खड़ी होती है, जहाँ एक पुलिस वाला निकल के उसके कार के सामने आता है, जहाँ चीरो चिल्ला चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कार को देखता है और एक चालान पावती उसके बोनट पे रख के वहां से निकल जाता है। दरअसल ये गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, इसलिए वो पुलिस वाला इस गाड़ी का चालान काटने आया था। पर यहाँ पुलिस वाले को तो कुछ दिखा ही नहीं। चीरो अब अपनी पूरी उम्मीदें खो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि अब वो गाड़ी में ही फंस के रह जाएगा। तभी इसकी किस्मत थोड़ी इसका साथ देने का फैसला करती है, जहाँ एक चोर उस गाड़ी के पास में आता है और उसका डोर ओपन करने की कोशिश करता है। पर यहाँ उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस चोर को आसपास के लोग घेर लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग थे, मगर किसी को ये बात पता नहीं थी कि गाड़ी में शिरो फंसा हुआ है। सब उस कार को अनदेखा करते हैं, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चीरो को डॉक्टर की एक बार फिर से कॉल आती है, जहाँ चीरो डॉक्टर से कहता है कि मैं इस दुनिया के रूल्स नहीं मानता, जहाँ जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीबों का फायदा उठाते हैं, और वो ये नहीं चाहता है कि अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाए, उनका हक खाए, इसलिए वो चोरी करता है। डॉक्टर को उसकी बात अच्छी लगती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि बैक सीट के पीछे एक पाइप है जिसमें से तुम पानी पी सकते हो, जो गाड़ी साफ करने का पानी है। चीरो बॉटल लेता है और उसमें पाइप डालता है और पानी को पीने लग जाता है। पर यहाँ उस पानी में भी केमिकल मिला था। उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो सब चीजें इग्नोर करता है और पूरी बॉटल एक बार में पी लेता है। अब यहाँ कार में उसका एक और दिन बीत जाता है, जहाँ उसकी मेंटल स्थिति भी अब थोड़ी सी डगमगाने लग गई थी। फिजिकल तो वो पहले से ही परेशान था। अब वो एक पेपर लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। डॉक्टर की उसको कॉल आती है। डॉक्टर यहाँ कहता है डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसे खा सकते हो। तो चीरो जल्दी से चॉकलेट निकालता है और खाने शुरू कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। वो अपने फोन की बैटरी भी निकाल के डैशबोर्ड पे रख देता है, ताकि सूरज की रोशनी की वजह से उसकी बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए। इतने में डॉक्टर का फिर से कॉल आता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, जहाँ मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों से बात करी। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी $1,00,000 की लॉटरी लगी है और मैंने उन्हें वो $1,00,000 दिया और तुम एक नया घर खरीद सकते हो। जहाँ चीरो की फैमिली पुराने घर को छोड़कर एक न्यू घर में शिफ्ट हो गई है। इतना कहकर डॉक्टर फोन बंद कर देता है। यहाँ चीरो को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाता है। ये सोचता है कि डॉक्टर अब मेरी फैमिली तक के चले गया है। जो बैटरी उसने डैशबोर्ड पे चार्ज होने के लिए रखी थी, वो वापस अपने फोन में डालता है और उसे ऑन करता है, जहाँ उसका फोन ऑन हो जाता है और वो अपनी वाइफ को कॉल लगाने की कोशिश करता है, जहाँ उसकी वाइफ उसका कॉल रिसीव नहीं करती। वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। अब बताया जाता है कि चीरो बैठ के इंजन स्टार्ट बटन को बार बार दबा रहा है, जहाँ गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो फुल स्पीड से गाड़ी को पीछे साइड ले जाता है और गाड़ी एक खम्भे से टकरा जाती है, जहाँ उसके पीछे का ग्लास टूट जाता है और वो वहां से निकल जाता है और जल्दी से पास ही बने पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है। वहां पर जाकर वो खाने की चीजें लेता है और खाने लग जाता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आके उसे कहता है इन चीजों के आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ चीरो के पास पैसे तो थे नहीं, तो वो गन निकालता है और सिक्योरिटी को मार देता है। तभी वो नींद से उठ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था, जहाँ चीरो अभी भी गाड़ी में ही फंसा हुआ था। चीरो की हालत यहाँ बहुत खराब हुई थी, उसके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। जहाँ उसके पास में वो गन थी, वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, मगर उसे फिर से डॉक्टर की कॉल आती है और अचानक गाड़ी के लाइट चालू हो जाते हैं, जहाँ उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। अब डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है। डॉक्टर अच्छे से जानता था कि चीरो के अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो लड़ सके। डॉक्टर यहाँ बताता है कि मुझे कई बार लूटा गया है, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनवाई ताकि चोर को मैं फंसा सकूं, और अब तुम ये गाड़ी में फंस चुके हो। तभी डॉक्टर किसी को कॉल करता है और चीरो इसी बात का फायदा उठाता है।
वो डॉक्टर की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे मारता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अब वो रेंगते हुए चल रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं कि वो भाग सके। पर डॉक्टर को तो बुलेट लगी ही नहीं थी। वो चीरो के पास आता है, उससे गन ले लेता है, जहाँ पास ही में एक पुलिस ऑफिसर उनको ये चीजें करते हुए देख लेती है। जहाँ वो डॉक्टर चीरो को वापस से उस गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ऑफिसर जहाँ कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, पर डॉक्टर चीरो पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है। डॉक्टर उस पुलिस वाले की बात नहीं मान रहा था। जहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले और रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। वहाँ पर एक रिटायर्ड पुलिस वाला भी था। जहाँ वो रिटायर्ड पुलिस वाला उससे बात करने की कोशिश करता है, वो दरअसल डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ वो पुलिस वाला कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, डॉक्टर यहाँ उसके रिप्लाई में कहता है, ये मेरा मसला है, तुम इन चीजों से दूर रहो। पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे चोर फिरते रहते हैं। डॉक्टर यहाँ कहता है कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, ये सब ठीक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे, उसके आधे डॉक्टर के साथ थे। वो कह रहे थे कि डॉक्टर जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, बल्कि आधे ये कह रहे थे, नहीं डॉक्टर, आप इसे छोड़ दीजिए। यहाँ जो रिटायर्ड ऑफिसर था, वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, तुम ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें इस चोर को फ्री करना होगा। जहाँ डॉक्टर उसकी बातें सुन के समझ जाता है और चीरो को फ्री कर देता है। चीरो धीरे धीरे चलकर पुलिस वालों के पास में आ जाता है, जहाँ पुलिस वाले उसे हथकड़ी पहना देते हैं। इसके बाद डॉक्टर हंसते हंसते गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ वो एक मोबाइल उसकी कार पर छोड़ के जाता है, जिसके अंदर टाइमर चल रहा था। टाइमर जैसे ही खत्म होता है, तो वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ डॉक्टर ने कार के पेट्रोल पास बम लगाया था, उसे वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। अब डॉक्टर यहाँ मर चुका था और चीरो को पुलिस वाले अपने साथ ले जा रहे थे, जहाँ चीरो अब डॉक्टर से तो फ्री था। फिर हमें लास्ट में बताया जाता है, ये मूवी रियल कहानी पे बेस्ड है, जहाँ ये लोग सब लोग यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर जो कर रहा था वो ठीक था, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लेसन था, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से तो करेंगी। जहाँ सिटी में चोरी की वारदातें होती है, वो कम तो होंगी। चीरो को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, जहाँ थोड़ी दिन बाद चीरो पे कार्रवाई होंगी और उसे सजा मिलेगी, और यही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।